गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर से ही इस बार जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें हम सभी जो है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने उनकी थ्योरीज पढ़ी थी, फिर उनकी एप्लीकेशंस और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था थर्ड चैप्टर में। अब यहाँ पर जो है हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हम थ्री चैप्टर्स पढ़ चुके हैं ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के, उसमें आपको ये तो पता चले गया देखिए कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होते हैं वैरायटी ऑफ कलर शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है ये शो करते हैं। जैसे अगर हम सिंपल बात करें ब्लड ले, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द हीम ग्रुप। ब्लड में जो होता है हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हीम ग्रुप भी बेसिकली क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है जिसमें जो मेटल आयन यूज होता है वो आयरन वहाँ पर यूज हो रहा है। सिमिलर वे में जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसमें भी जो ग्रीन कलर होता है वो ड्यू टू द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड मैग्नीशियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारी डाइज होती हैं, प्रशियन ब्लू जो होता है, इन सभी में जो है मेटल आयन जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन प्रेजेंट होता है, और सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होते हैं वैरायटी ऑफ कलर्स जो है शो करते हैं, और इनके कलर जो है ये शो कर रहे हैं। इसका रीज़न भी क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं कलर शो कर रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कलर जो अराइज हो रहा है उसका बेसिकली रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि आपके पास जो है डी लेवल्स हैं मेटल्स में। हम जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे डी लेवल को ही डिस्कस कर रहे हैं, कि जो डी लेवल है मेटल आयन का वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हमें क्या देंगी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स हैं वो कलर शो करते हैं, और वो जो कलर अराइज हो रहा है इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से वो कलर होगा, और ये हमें क्या देंगे फिर आगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है बेसिकली ट्रांजिशन मेटल आयंस का, वो जो ऑब्जर्व होता है वो दो रीजंस में होता है, एक तो हो गया विजिबल रीजन एंड सेकेंड वन इज़ यूवी रीजन। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रीजन। ओके, अभी मैं जस्ट एक बेसिक बता रही हूँ कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है क्या, कि आपके पास जो डी लेवल्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशंस होंगी। ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्री मेटल आयन अगर प्रेजेंट है तो उसके जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी के सभी डी जनरेट होते हैं, सबकी जो एनर्जी है वो सेम होती है। बट अगर ये ऑक्टाहेड्रली या फिर टेट्राहेड्रली लिगेंड फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो उस केस में क्या होता है, ये जो डी लेवल्स हैं इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब जो स्प्लिटिंग हो रही है आपके पास, इस स्टेट को हम बोल देंगे बिकॉज ये लो एनर्जी की स्टेट है ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट, और जो हाई एनर्जी की स्टेट होती है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कलर शो करते हैं, और वो कलर अराइज होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है क्या, कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल गिवन है, जो भी कॉम्प्लेक्स गिवन है, अगर हम वहाँ पे विजिबल या फिर यूवी रीजन की कोई रेडिएशन जो है वो उस सब्सटेंस के ऊपर फॉल कराएंगे। आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है उसके ऊपर हम विजिबल या फिर यूवी रीजन की अगर रेस को फॉल करा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जितनी हमने उसके ऊपर लाइट रे फॉल कराई उसमें से उसका जो कुछ पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ओके, और ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का मतलब क्या है, कि एक स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जो है चेंज होना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ओके, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो भी बेसिकली दो तरीके का हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, अब देखो इनके नेम से ही इंडिकेट हो जाएगा। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो पता चल गया ना कि क्या होता है, कि जब हमारे पास एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा।
स्पेक्ट्रा भी दो तरीके का है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि जब लाइट रेस क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन का मतलब होता है रिलीज करना, कि जब वो लाइट रेडिएशंस ट्रांसमिट करेगा तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो होगा एमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखो किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब की। ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन होगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ये हमें ट्रांजिशन क्या देगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगी। लेकिन ये सभी को हमें पता है कि जो एक्साइटेड स्टेट होते हैं वो इतनी ज़्यादा स्टेबल स्टेट नहीं होती, तो कुछ टाइम बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से जो है ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होता है। जब वो रिटर्न होगा तो वो एनर्जी इस केस में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है लेकिन एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना, तो इस स्पेक्ट्रा को हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ कि आपके पास अगर ट्रांजिशन हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी फर्दर टू टाइप का है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है तो वहां पे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को ट्रांसमिट करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो जो स्पेक्ट्रा होगा वो हो जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रा। और कितनी रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब कर रहा है विजिबल और यूवी रीजन में, एक आपके पास वेवलेंथ का ऑर्डर होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वेवलेंथ की रेंज जो है इसमें एब्जॉर्ब करेगा, किस कलर की वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रिलीज करेगा। थर्ड चैप्टर में भी जब हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कलर व्हील होता है इस तरीके से, वॉयलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। अब अगर सपोज करो आपके पास एक सब्सटेंस है वो जो है रेड रीजन वाली रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएगा। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होगा तो वो किस कलर की रेडिएशंस के साथ रिटर्न होगा, ग्रीन कलर की। ओके, तो पर्टिकुलरली वो कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस रेंज की, वो हमें उसके कलर से पता चलेगी। और जब वो ट्रांसमिट करेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा शो करेगा, तो उस कलर का जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर वहाँ पे जो है वो शो करेगा। ओके, और देखो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं कि डी लेवल की स्प्लिटिंग हो रही है, तो ट्रांजिशन जो हो रही है ये दोनों के दोनों है तो डी ही ना। अगर मैं ऑक्टाहेड्रली बात करूँ, ये टी टू जी ऑर्बिटल है और ये ई जी ऑर्बिटल है। सिमिलर वे में अगर मैं टेट्राहेड्रली कहती हूँ तो ये ई ऑर्बिटल हो जाएंगे, मेटल के दो और ऊपर वाले हो जाएंगे टी टू ऑर्बिटल। तो जो ट्रांजिशन हो रही है वो ये भी 5d ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स टू पार्ट में स्प्लिट हो गए, लेकिन ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इन ट्रांजिशंस को जो है इसलिए हम dd ट्रांजिशन भी बोलते हैं। dd ट्रांजिशन मतलब कि एक जो ट्रांजिशन हो रही है, कोई भी जो दो स्टेट है उनमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है वो दोनों ही डी के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे भी डी के ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे भी डी के ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं dd ट्रांजिशन। ओके, अब जैसे अगर मैं ऑक्टोहेड्रल की बात करूँ कि हमने उसके ऊपर विजिबल लाइट फॉल कराई, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है लोअर, अगर मैं ऑक्टोहेड्रल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या होंगे, टी टू जी के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ऐसे ही ऊपर ईजी के 2 ऑर्बिटल्स होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल से हाइयर सेट ऑफ डी ऑर्बिटल में चेंज होगा, मीन्स टी टू जी लेवल से वो कहाँ पे चेंज हो जाएगा, ईजी लेवल में। और ये जो डिफरेंस होगा इनकी एनर्जी का, टी टू जी और ईजी एनर्जी में कितना डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी उसने जो रेडिएशंस है वो क्या है एब्जॉर्ब करी है। जितना इन दोनों, अगर उसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना है, उसे इतना अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करनी होगी, तभी वो जो है इस डिफरेंस को, इस बैरियर को क्रॉस करके जो है ईजी स्टेट में जो है चेंज हो पाएगा। ओके, और ये जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो हमें जो है कलर, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर, अगर ये जैसे मैंने अभी बताया था कि रेड कलर को एब्जॉर्ब करा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, आपके पास दो लेवल्स हैं, टी टू जी लेवल एंड ई जी लेवल, यहाँ से वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो कितना एनर्जी डिफरेंस है, इट इज़ गिवन एज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू जो होती है फ्रिक्वेंसी, इट इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा।
ये आपके पास रिलेशन होता है तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा c डिवाइडेड बाय लैम्डा। c है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो h होता है h को हम बोलते हैं प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, लैम्डा यहाँ पे क्या है वेवलेंथ। ओके अब देखो सब्सटेंस क्या कर रहा है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उन रेडिएशन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही है, कितनी लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी पर्टिकुलर वेवलेंथ की मैं बात कर रही हूँ कि वेवलेंथ पे कितनी इंटेंसिटी की वो लाइट रेडिएशन जो है जिन्हें अब्जॉर्ब कर रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक लॉ की हेल्प से। दो साइंटिस्ट हैं बीयर एंड लैम्बर्ट, इन दोनों ने ये मिलकर कंबाइन होकर लॉ दिया था, तो इस लॉ को हम बोलते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, इंटेंसिटी की जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही है, कितनी इंटेंसिटी की वो लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे बीयर लैम्बर्ट लॉ की हेल्प से। अब अगर सपोज करो लेट आई नोट क्या है इंटेंसिटी की, जो इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की हमने सब्सटेंस के ऊपर फॉल कराई, जो लाइट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट सब्सटेंस के ऊपर लाइट रेडिएशंस फॉल करा रहे हैं ना, वो किस इंटेंसिटी की हम लाइट रेडिएशंस फॉल करा रहे हैं वो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे आई नोट, और आई जो है इट इज़ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अभी मैंने क्या बताया था कि जब हम सब्सटेंस के ऊपर लाइट रेडिएशंस को फॉल कराएंगे तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कंप्लीटली ऐसा तो है ना कि मैंने 100% उसके ऊपर फॉल कराई वो 100 की 100 ही एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 में से सपोज करो वो 60% जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बचा वो 40 वो होगी ट्रांसमिटेड लाइट। ओके आई नोट क्या है, टोटल इंटेंसिटी लाइट की इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट लाइट मीन्स जो हम सब्सटेंस के ऊपर फॉल करा रहे हैं लाइट, वो तो होगी उसकी इंटेंसिटी आई नोट, और उसने सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब करने के बाद कितनी लाइट ट्रांसमिट की वो हो गई उसकी आई। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो है लॉग ऑफ आई नोट डिवाइडेड बाय आई, इट इज़ इक्वल टू ए एंड एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन का सिंबल है, एल एंड सी। आई नोट हो गया इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आई है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, सी जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सी होती है मोलर कंसेंट्रेशन, जो सब्सटेंस लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा उस सब्सटेंस की कितनी कंसेंट्रेशन है, और जो ये एप्सिलॉन है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं इसको, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशियंट और मोलर एब्सॉर्प्टिविटी। ओके और इसके जो यूनिट्स होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट्स जो है आपको स्पेशली याद होने चाहिए, कई बार कंपलसरी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये एप्सिलॉन जो है ये क्या इंडिकेट करता है और क्या इसके यूनिट्स होते हैं, तो एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशियंट या फिर मोलर एब्सॉर्प्टिविटी, और इसके यूनिट्स होते हैं लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये जो मैं एल यूज कर रही हूँ यहाँ पे एल ये क्या है पाथ लेंथ, सेंटीमीटर में होगी लेंथ है जनरली। ओके और ये जो मैंने ए यहाँ पे यूज करा है लॉग ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय आई, ये रिप्रेजेंटेड ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यहाँ पे है एब्जॉर्बेंस, हम यहाँ पे एब्जॉर्बेंस ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना कितनी लाइट रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की है, तो लॉग ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय आई इट इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस। ओके तो ये एक सिंपल सा लॉ है बियर्ट लैम्बर्ट लॉ, जिसकी हेल्प से जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो किस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे हो रही है वो हम यहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ एक ये आप सब जो मैं बता रही हूँ अभी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इनऑर्गेनिक में, लेकिन एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं उसके बाद जो है हम आगे इस पर प्रोसीड करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे देखो क्योंकि हमें क्या पढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉन की, कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको जो बेसिकली है हम डिफाइन करते हैं एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो है हम इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या बताता है, मेन एनर्जी लेवल के बारे में। इंटीजर होता है एन, एन की वैल्यू जो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एन इज इक्वल टू 1 है तो के शेल होती है, एल है तो एम शेल होती है, 2 है तो एम शेल होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज एजीमिथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और ये इसके एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का कितना एंगुलर मोमेंटम है उसी के साथ रिलेट करते हैं। बेसिकली इसकी जो वैल्यूज होती है वो एन के ऊपर डिपेंड करती है, मींस एल की जो वैल्यूज होती है वो 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2 अप टू एन माइनस 1 तक इसकी जो है वैल्यूज होंगी। अगर आपके पास एल इज इक्वल टू 0 होता है तो हम इसको कहते हैं एस स्टेट है, एल इज इक्वल टू 1 पी सबशेल भी बोलते हैं, डी एफ एंड सो ऑन, ऐसे ही अल्फाबेटिकली जो है प्रोसीड करेंगे। क्लियर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली ये हमें क्या बताते हैं, ओरिएंटेशन के बारे में, ऑर्बिटल्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स अब इस केस में भी क्या है, जो m की वैल्यूज होती हैं वो माइनस l से स्टार्ट होके प्लस l तक की वैल्यूज होंगी। जैसे सपोज करो l इज इक्वल टू 1 तो m की वैल्यूज माइनस 1, 0, प्लस 1, ये वैल्यूज होंगी इसकी। एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या बताता है, स्पिन ओरिएंटेशन के बारे में। स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होते हैं वो दो ही तरीके से होते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा अपने एक्सिस के अलोंग, या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। इसलिए इसकी जो है दो ही वैल्यूज होती हैं इसकी, प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, और इनको भी हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एरो की हेल्प से। ये प्लस 1/2 वैल्यू होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की वैल्यू होती है वो माइनस 1/2 होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, 4 क्वांटम नंबर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने से पहले। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी हम स्टडी करेंगे, वैसे ये भी हम फर्स्ट ईयर में करके आए हैं, बट एक बार देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेवल, किस बेसिस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है अलग अलग लेवल्स में, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना वन वर्ड सब्सिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेवल्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से है। इसके लिए भी हमारे पास 3 रूल्स हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 रूल दिए थे। फर्स्ट वन इज अफबाउ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें जनरली किसके बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले जो है लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट, सबसे पहले जो है वो जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा सबसे पहले जो है वो उसे ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। जैसे एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे लोवेस्ट ऑर्बिट कौन सा होता है, 1s, उसके बाद फिर 2s होता है, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, इस वे में। कि सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को जो है ऑक्यूपाई करेगा। सेकेंड वन इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो है सेम वैल्यू है 4 क्वांटम नंबर्स के लिए, कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की जो है चारों के चारों क्वांटम नंबर के लिए सेम वैल्यू नहीं हो सकती, मीन्स
अगर आपके पास जो है जिस तरीके से कि ऐसे है आपके पास कि ऑर्बिटल में जैसे सपोज करो यही है कि पहले वैल्यू पे अपर दूसरी पे अपर, ये पॉसिबल नहीं है ना इस तरीके से, ना ही ये ऐसे हो सकती है, तो ये दोनों ही क्या है, रॉन्ग है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, उनमें से एक ना एक वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी जरूरी है। एंड थर्ड वन इज हंस रूल, हंस रूल ने क्या कहा था कि अगर आपके पास अलग अलग ऑर्बिटल्स अवेलेबल है सेम एनर्जी के, जिनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सब में सिंगली फिल होंगे, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स सिंगली फिल हो जाएंगे उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे सपोज करो आपके पास पी के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तो वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा, वन टू थ्री, इसके बाद अगर आपके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है तब वो पेयरिंग स्टार्ट होगी। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, वन टू एंड थ्री ये दो है। ओके, तो ये तीन जो है बेसिक रूल्स हैं जिसके बेसिस पे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं एटम्स की। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं, सबसे पहले जो लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है वो फिल होगा कम्प्लीटली, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल पे हम शिफ्ट करेंगे। पॉलीएक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है उनके लिए सेम वैल्यू नहीं हो सकती क्वांटम नंबर्स की, मींस कि एक ही ऑर्बिटल में ऐसे दोनों सेम स्पिन के +1/2, +1/2, बाकी सारी वैल्यूज तो उनके लिए सेम ही है, एन एल एम वैल्यू एस वैल्यू भी अगर आप सेम कर दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है इस तरीके से हो सकते हैं या फिर इस तरीके से हो सकते हैं। थर्ड वन इज हंस रूल, ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सारे के सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फिल होंगे, उसके बाद जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होगी। ओके, अब जो है हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है डीजनरेट वाले केस में, तो उस केस में क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो सेम रहेगी, उसका कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, कि अगर हमारे पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है डीजनरेट ऑर्बिटल में, तो उस केस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है, और उनकी ऐसा जरूरी नहीं है कि उन डिफरेंट अरेंजमेंट की सबकी एनर्जी सेम होगी, उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डीजनरेट एनर्जी लेवल में, डीजनरेट जैसे पी के योगे, पी के तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, ऐसे ही डी के जो है फाइव ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं, कि अगर आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनकेस में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई भी सिक्स के सिक्स यहाँ पे कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से किसी में भी आ सकता है। जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी उसकी एल वैल्यू के ऊपर, बिकॉज सारे के सारे ऑर्बिटल जो है वो डीजनरेट है, कोई अरेंजमेंट से डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है, उस केस में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट जो है पॉसिबल होगी, और उन डिफरेंट अरेंजमेंट की जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम नहीं होगी। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास जो है पी टू कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज करो कार्बन के केस में ले लो, कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आप देखो इस केस में मैं किस तरीके से कह रही हूँ, अलग अलग पॉसिबिलिटी है। पी के टोटल हमारे पास थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, एल की वैल्यू की अगर बात करूँ +1 0 -1, ये इसकी वैल्यूज है। आप देखो दो इलेक्ट्रॉन से पी में, फर्स्ट पॉसिबिलिटी डन, और जब सारे के सारे डीजनरेट हैं ये भी हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, फर्स्ट में और थर्ड में हो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर इस तरीके से हो दोनों इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम सारी जो है यहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट्स ड्रॉ करेंगे, इन दोनों में भी हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, अब फर्स्ट थर्ड बना लो, और एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, ऐसे इसमें एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, फर्स्ट सेकंड कर दिया, सेकंड थर्ड कर दिया, अब फर्स्ट थर्ड कर देते हैं। अब इसी का रिवर्स ले लो दोबारा से, इसमें मैंने ये ऊपर किया था, ये नीचे किया था, इसमें इसको नीचे कर देती हूँ, इसको ऊपर कर देती हूँ। पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना, हम सारे के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। इसका रिवर्स ले लिया, अब इसका रिवर्स ले लेती हूँ,
डन, और भी क्या हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकती है। इसमें हो जाए दोनों या फिर इसमें हो जाए दोनों। तो इस तरीके से जो है, अगर आपके पास मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1, 2, 3, 6, 9, 12 एंड 15। मीन्स P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है आपके पास टोटल 15 अरेंजमेंट हो सकती है। और इन केसेस में क्या होगी, सभी के जो अरेंजमेंट है ये एनर्जी जो है इसमें किसी की कम एनर्जी होगी, किसी की सेम होगी, कोई डिजनरेट होंगे। मीन्स एनर्जी जो है इनकी वो सेम नहीं होगी। उसका भी क्या रीज़न है, देखो अगर आपके पास क्या है, इस अरेंजमेंट में दो ऑर्बिटल में, जैसे ये है फर्स्ट ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हम कहते हैं वो कम होगी। लेकिन इस वाले केस में क्या है, दोनों ही सेम एक ही ऑर्बिटल में आ रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रेजेंट होगी। और जितनी ज़्यादा रिपल्शन आपके पास ज़्यादा होती है, उतनी ही उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, सभी जो अरेंजमेंट्स हैं, जो एनर्जी है इनकी, वो डिफरेंट एनर्जी होगी ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ओके, अब कि आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में जो है ये रिपल्शन जो है अलग अलग हो रही है, और डिफरेंट रिपल्शन, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता उस केस में तो कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पॉसिबल नहीं थी। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रेजेंट है। ओके, और ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है, टोटल मैंने 15 अरेंजमेंट्स ड्रॉ करी है, यहाँ पे इनको भी जो है हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे डिजनरेट एनर्जी के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर मेरे पास सपोज करो इसके और इसकी एनर्जी सेम है तो मैं इनको एक ग्रुप में कर दूंगी, इन दोनों की एनर्जी सेम है तो इन दोनों को जो है एक ग्रुप में कर दूंगी। और कि अब इलेक्ट्रॉन है, हमने थर्ड चैप्टर में जब हमने इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी तो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, पढ़ा था ना, दो मोमेंटम होते हैं, फर्स्ट वन इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड सेकेंड वन इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन के केस में स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस केस में भी क्या है, दोनों आपस में जो मैंने बताया था कि इंट्रैक्ट, मतलब कि दोनों कपल भी करेंगे, और कपल करने के बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब जो ये रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आया एंड सेकेंड वन इस सिस्टम की एनर्जी, इन दोनों को एक्सप्रेस करते हैं हम सिंबल्स की हेल्प से, जिन सिंबल्स को हम बोलते हैं टर्म सिंबल्स। यहाँ से जो है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा जो है वो स्टडी होगा। टर्म सिंबल्स क्या है, मीन्स ऐसे सिंबल्स जिनको हम यूज़ कर रहे हैं किस लिए, सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एंड सेकेंड वन रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो इसको कैसे लिखोगे, टर्म सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जिसके बेसिस पर हमारे पास एनर्जी आएगी, एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। टर्म सिंबल्स क्या है, ऐसे सिंबल्स जिनको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे हमारा सीधा सीधा मतलब एनर्जी में है, एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को जो है कैलकुलेट करने के लिए। ओके, किसी भी पर्टिकुलर एटॉमिक स्टेट के लिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2s + 1 LJ। एस जो यहाँ पे यूज़ करी, मैं देखो कैपिटल एस यूज़ करा, इस चीज़ का ध्यान रखना कहाँ पे मैं स्मॉल एस यूज़ कर रही हूँ और कहाँ पे मैं कैपिटल एस यूज़ कर रही हूँ। कैपिटल एस क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ये भी कैपिटल एल है, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर को। ये कैपिटल जे है, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम को। ये स्पिन के लिए, ये ऑर्बिटल के लिए, और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, और ये जो कंबाइंड टर्म मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज 2s + 1, इसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s + 1 क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब जैसे देखो हम यूज करते थे सिंबल्स, L = 0 के लिए S है,
L इज इक्वल टू 1 के लिए P, L इज इक्वल टू 2 के लिए D, यहाँ पे मैं सारे सिंबल जो है छोटे यूज कर रही हूँ स्मॉल वर्ड्स में। ऐसे ही अगर आपके पास L इज इक्वल टू 0 है तो S स्टेट होगी, L इज इक्वल टू 1 है तो P स्टेट, L इज इक्वल टू 2 D स्टेट, L इज इक्वल टू 3 F स्टेट, ऐसे से सो ऑन, ये कॉन्टिन्यूटी जो है चलते रहेगी। ओके, तो टर्म सिंबल्स पता लगे। टर्म सिंबल्स क्या है? ऐसे सिंबल जिसको अब हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और रिजल्टेंट उनका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s प्लस 1 lj से। 2s प्लस 1 है यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, s होगा टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड j1 इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है j, इसको जो है हम बेसिकली दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज रूसेल सोंडर कपलिंग एंड सेकेंड वन इज जे जे कपलिंग, जे स्मॉल यूज कर रही हूँ मैं आपको। इन दोनों में से बेसिकली जो है हम इस वाले को यहाँ पे जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल एस भी बोलते हैं, बार बार इतना बड़ा नेम नहीं बोलूंगी, सीधा एल एस कपलिंग। एल एस कपलिंग का मतलब यही है, रूसेल सोंडर्स कपलिंग, ठीक है। और इस केस में क्या है, जो स्पिन ऑर्बिटल इंट्रैक्शन हो रही है, स्पिन और ऑर्बिटल इंट्रैक्शन जो है काफ़ी स्मॉल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम जो है आगे एल एस कपलिंग को जो है यहाँ से डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ये अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।